गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पिक्स प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस क्लास में हम सब लोग पढ़ने आए हैं डेटा कम्युनिकेशन को। पहले हम थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाएंगे और कोशिश करेंगे समझने के लिए कि हम लोग स्टार्टिंग से कंप्यूटर को पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। उसमें हमने एक बात हमेशा नोटिस की है कि डेटा होता क्या है। हमने पढ़ा था ना कि भाई कंप्यूटर के चार काम होते हैं, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट देना। ठीक है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट एज अ रिजल्ट देना। इनपुट क्या देना? रॉ डेटा एज इनपुट। अभी रॉ डेटा क्या होता है? कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है? कभी भी अगर आप चाय में चीनी डालेंगे तो चाय में चीनी डालने के लिए खेत से गन्ना चीनी मिल में आएगा, उसके बाद से फिल्टर और प्रोसेसिंग के ज़रिए वो क्या बनेगा? गुड़ बनेगा, फिर उसका ब्राउन शुगर बनेगा, फिर उसका क्या बनेगा? क्यूब्स। क्या बोलते हैं? सिर्फ आइस क्यूब्स नहीं होते हैं, शुगर क्यूब्स भी होते हैं। यस और नो? और साथ ही साथ लास्ट जो आपके पास वाइट शुगर बच जाती है, जिसको जहर बोलते हैं, अंतिम में वो आप तक पहुँच जाती है। यस और नो? यानी तुम ये बोल सकते हो शुगर केन क्या है अगर देखा जाए तो? रॉ डेटा है किसका? प्रोसेस फूड चीनी का, वाइट शुगर का। ठीक है, क्या है आपका? और अब आपको चीनी क्या? चीनी प्रोसेस फूड है। क्या है बेटा? प्रोसेस डेटा है किसका? आपके रॉ डेटा का। किसका? प्रोसेस डेटा, रॉ डेटा, ये समझ लो। तो अब हमारे कंप्यूटर का जो काम था हमें एकदम क्लियर हो गया है। इट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट, इट डू द प्रोसेसेस टू मेक द डेटा फिल्टर्ड, टू मेक द डेटा, रॉ डेटा एज इंफॉर्मेशन, एज अ कंप्लीट यूजफुल इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड? उसके बाद स्टोर करना। क्या स्टोर करेगा वो? पहली बात तो हमारे इंस्ट्रक्शंस को, हमारे कमांड को, हमारी फाइलों को जो सेव करने का हम कमांड देते हैं, उन फाइलों को सेव करना, उस डेटा को सेव करना, उस जानकारी को सेव करना जो रॉ डेटा से, कच्चे माल से फिल्टर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन या जानकारी बन चुकी है। सर नो? बन चुकी है। अब जब बन चुकी है इसका मतलब क्या? कि वो स्टोर होने के लायक है। इसके बाद लास्ट काम क्या होता है? जब उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं? आउटपुट। क्या मांगते हैं बच्चों? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब रिजल्ट होता है। जो भी हमने प्रोसेस किया, जो भी हमने इनपुट दिया, जो भी हमने स्टोर किया, उसका आउटपुट क्या होगा? उसका आउटपुट ये होगा कि हमारी जो फाइल सेव हुई थी वो अब मॉनिटर पे, प्रिंटर पे, प्रोजेक्टर पे शो हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी। एम आई क्लियर? सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या? ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, छू सकते हो, बट फिजिकली बदलाव नहीं कर पाओगे। यस और नो? पेपर पे तो नहीं है ना, लाइट गई, प्रोजेक्टर ऑफ हुआ, उसके बाद फिर क्या? डेटा आपका समाप्त। लेकिन प्रिंटर से क्या होता है? एक हार्ड कॉपी, फिजिकल चेंजेस पॉसिबल है उसमें। हार्ड कॉपी आती है, कॉपी जल सकती है, रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो और उस हार्ड कॉपी को आगे पीछे आप बदलाव कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का ना? ठीक, आगे देखते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। किसकी बात करते हैं? अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। क्या करना? आप लोग वो वर्ड जानते हो कि लोग कहते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करना है, स्कूल में एडमिशन करना है। सुना है आप लोगों ने? दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक वर्ड है। फिर आप कहोगे सर हमने ट्रकों पर देखा है ऑल इंडिया परमिट, और फिर मेरे से आते हो सर परमिशन चाहिए आपकी, आते हो? तो परमिट और परमिशन ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या होता है? हाँ, एडमिट मतलब क्या होता है? दाखिला लेना। क्या होता है? दाखिला तो आपका मेडिकल कॉलेज में भी होता है, मेडिकल के इमरजेंसी वार्ड में भी होता है, स्कूल में भी होता है, कोचिंग में भी होता है। सर नो? तभी तो आपको एडमिट कार्ड मिलता है। मिलता है? नहीं, वहाँ पर क्यों नहीं बोलते एडमिशन कार्ड मिल रहा है? बोलते हैं ऐसे? नहीं बोलते। हर वर्ड को शॉर्ट में रखा गया है आपको समझाने के लिए। वैसे ही कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट से लिया गया। कम्युनिकेट मतलब होता है आप तक पहुंचना, आपके टच में, आपके कांटेक्ट में, आपके नेटवर्क में आना, इसको बोलते कम्युनिकेट करना। समझाता हूँ, आपको अरबी आती है, मुझे हिंदी आती है। अरबी और हिंदी दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। भाषाएँ अलग हैं, लिपि अलग है, सोच अलग है, लिखावट अलग है, पहनावा और बात रहन सहन भी अलग है। तो क्या अरबी वाला बंदा जो कम्प्लीटली अरबी जानता है, उसको हिंदी का ह भी नहीं पता है, एच भी नहीं पता है, क्या वो कम्युनिकेट कर पाएगा प्रॉपर वे में? उसको बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए, जो हम लोग पहले पढ़े थे अभी, कंपाइलर, असेंबलर, हाँ, इंटरप्रेटर, कुछ याद आ रहा है? यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन चाहिए, थर्ड पार्टी बंदा चाहिए ही चाहिए। यस और नो?
लेकिन सोचो क्या हो कि जिस इंसान को सारी भाषाएं आती हो, मेरा मतलब है कि काम भर की भाषाएं आती हैं, मुझे 9 से 10 भाषाएं आती हैं, अगर आपको भी 2 भाषाएं 3 भाषाएं 4 भाषाएं बिल्कुल आती होंगी आपको, कोई इसमें हैरत की बात नहीं है। हिंदी आप प्रॉपर बोलते ही हो, ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश बोल ही लेते हो, समझ लेते हो, लिख भी लेते हो, फिर आपकी जो कह सकते हो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव मतलब जिस जगह के आप रहने वाले हो, मीन्स भोजपुरी बोल रहे होगे या बंगाल के तो बंगाली बोल रहे होगे, वो तो आती ही आती है। हिंदी तो हर जगह कॉमन हो गई है, हर जगह आपको देखने को मिलती है, ठीक। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा कोशिश किए होंगे तो आप लोग पंजाबी भी देखते होंगे, बहुत डिसेंट लैंग्वेज है, लोग पंजाबी गाने भी सुनते हैं क्योंकि उनको थोड़े बहुत बोल समझ में आने लगे, है ना। सानू लेके चलदा मैं, क्या मतलब है कि तुमको लेके मैं, है ना, तो खुद को लेके मैं, ये सब बातें क्या है आखिर, कहीं ना कहीं हम लोग उसके ओर बढ़ रहे हैं। यानी छोटे में मैं बात कहूँ, आप सब लोग अंदर से आपको कॉन्फिडेंस भले ना हो लेकिन 3-4 भाषाएं आप लोग जान रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको 3-4 भाषाएं आ रही हैं, मुझे थोड़ी आपसे ज़्यादा आती हैं, बस दैट इज़ ओके, बड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई इंसान सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन अब मेरा बेनिफिट क्या है, मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा सामने वाले से, मैं क्या कर पाऊँगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अब 8-9 विभिन्न प्रकार के लोगों से बात करने में सक्षम हूँ, बात करने में। अब इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, एलिजिबल हूँ, कंफर्टेबल हूँ, लेकिन टेक्निकल भाषा में क्या बोलूँगा, कंपैटिबल हूँ, क्या हूँ, टेक्निकल वर्ड्स को आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कर पाओगे, समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ गई आपको, बोलिए, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं अपने डेटा को आप तक कम्युनिकेट करवा सकता हूँ, क्या करवा सकता हूँ, डेटा क्या है मेरा, सर डेटा कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट यानी टाइप किया हुआ, म्यूज़िक यानी कि ध्वनि के माध्यम से, वीडियो यानी केवल वीडियो के माध्यम से, AV यानी ऑडियो वीडियो कंप्लीट, वो भी आ सकता है, यस और नो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीन पर नज़र डालिए, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशंस के बारे में, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू एनी कम्युनिकेशन लिंक इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। भेजना और प्राप्त करना, दुनिया इसी पर चल रही है, गिव एंड टेक, है ना। हेल्पिंग अदर ड्राइव अवर सक्सेस, ये आज का थॉट है, हेल्पिंग अदर ड्राइव अवर सक्सेस, मतलब क्या है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपकी तरक्की, आपकी मदद खुद ब खुद हो जाती है। ये सिर्फ ये सोच लेना कि मैं मदद करूं और वो बंदे ने मदद अगर नहीं की तो मेरा क्या होगा, कोई ना कोई आके आपकी मदद कर ही देता है। मैं समझाता हूं कैसे, आपने गूगल के सर्वर पे डेटा अपलोड किया, कोई जानकारी आपने डाली जो उस पर आपको महारत हासिल है, इस पर आप क्या है, मास्टरी अचीव है, ठीक है। आपने कोई जानकारी कंप्यूटर पर डाल दी ऑनलाइन, आप कह रहे हो यार मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई मेरे काम की जानकारी गूगल पे नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आपको उस जानकारी डालने के पैसे भी तो मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा है, पैसे मिलेंगे, उस पैसे से आप बुक्स खरीदेंगे, टीचर हायर करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, यस और नो, और जाके पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं से हेल्प तो हो रही है। वो भी नहीं हो रही है तो केवल गूगल पे जानकारी डालने के लिए आप मेहनत करोगे, आप लाइब्रेरी जाओगे, आप जाके पढ़ोगे कि मुझे आज इसके बारे में नॉलेज डालनी है, अपलोड करनी है, यस और नो, तो कहीं ना कहीं आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही कि नहीं हो रही। अब अपग्रेड हो रही है तो कैसे हो रही है, आप अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को शेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और शेयर किससे करते हैं, जो उसको प्राप्त करने समझने के योग्य होता है, जो उसके लायक होता है, और लायक कौन है इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार हर वो कंप्यूटर लायक है जो इसकी कम्युनिकेशन लिंक को कनेक्ट करता है। तुम मेरे वाईफाई राउटर से अगर पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हो तो तुम मेरे कंप्यूटर की कंपैटिबल हो कि नहीं, मेरे वाईफाई की कंपैटिबल हो कि नहीं, मेरे सर्वर की कंपैटिबल हो कि नहीं, यानी तुम्हारे अंदर वो एलिजिबिलिटी मौजूद है, क्या है भाई, तुम अगर मेरे कहने बात में हो और मैं तुमको अगर कुछ सिखा रहा हूँ और तुम सीख रहे हो, दैट मीन्स कि तुम मेरे नेटवर्क के अंदर आते हो, तुम मेरे नेटवर्क के कंट्रोल में हो, तुम कहीं ना कहीं मेरे नेटवर्क के क्षेत्र में आते हो। मैं क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों माता पिता एक समय के बाद अपने नौजवान बच्चों को कहते हैं कि ये मेरे हाथ से निकल गया, ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, ये मेरी पकड़ से बाहर, मेरी पहुंच से बाहर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पकड़ एंड पहुंच, रेंज क्या बोलते हैं उसको, और कंप्यूटर में तो आपको पता है रेंज सबसे बड़ी बात होती है, अगर रेंज नहीं होगी
तो कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन और रेंज किससे जुड़ा हुआ, लिंक से। लिंक क्या होता है, ये वो पुल होता है जो दो किनारों को जोड़ता है आपस में। एम आई क्लियर? आप कहते हो विधायक जी से लिंक है हमारा। आदर्श कह रहा था एक दिन, आदर्श पांडे बोला सर हमारा विधायक जी से बहुत बड़ा लिंक है। हम लोग भी बोले कि नहीं अच्छी बात है भाई, लिंक होगा। विधायक जी के कमरे में जाते पैर पकड़ लिया, माई बाप आप ही सब कुछ है, जो भी काम है करवा दीजिए, हमारे मोहल्ले के चार दोस्त आए हैं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जाते ही पैर पकड़ लिया। वो भी बोले चलो ठीक है, अगली बार इलेक्शन है और बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है, जीतना है ही है, चलो इसका काम करवा देते। काम करवा लिया, जिसे काम करवाए नेता जी एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी लिया, सेल्फी लेके यूट्यूब पर डाल रहा है, फेसबुक पर डाल रहा है, इंस्टाग्राम पर डाल रहा है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ना विषय पर चर्चा करते हुए है ना माननीय विधायक जी ब्रैकेट में भैया, अब इनके भैया लग रहे विधायक जी। तो ये चीज़ें हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे आप? विधायक जी से ये कम्युनिकेट कर पाए कि नहीं कर पाए? अगर कम्युनिकेशन गैप होता, अगर कनेक्शन लॉस्ट हो जाता, यानी उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाती, तो लात मार के निकाल देते हो उसको। किसको? आदर्श पांडे को। यस सर नो, कहते निकल जाओ यहाँ से। बोलते नहीं बोलते, ऐसा क्यों बोलते? उन्होंने अपने कनेक्शंस को इनके साथ क्या किया, क्लोज किया, यूज़ टू किया। इनकी जो बात थी उनकी बात समझ में आ गई, इनके इनपुट का उधर से आउटपुट इनको मिल गया, इन्होंने सेंड किया उधर ने, उन्होंने रिसीव किया। यस सर नो, क्या सेंड किया? माई बाप गुजारिश है, गुहार है, दरख्वास्त है, पूरी कर दीजिए। और उन्होंने क्या किया, चलो भाई ठीक है कर देंगे, कर दिया। यानी इनके बात उनके रिसीव पॉइंट पे क्या हो गई, रिसीव हो गई। उसके बाद उन्होंने सेंड किया, उन्होंने रिसीव किया, क्या चर्चा करते हुए, सेल्फी लेते हुए, होता है नहीं होता है? तो आप इस बात को समझ लें शॉर्ट फॉर्म में कि डेटा कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है कि जानकारी का आदान प्रदान करना और वहाँ पर कम्युनिकेट करना, यानी कि जुड़े हुए रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जुड़े हुए रहना बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेटा, यानी डेटा कम्युनिकेशन के तत्व क्या है? बॉडी बनी है पांच तत्वों से, फाइव एलिमेंट्स से बॉडी बनी है। सर नो, फाइव सेंसेस से भी बॉडी बनी है। अब सेंसेस क्या है? इंद्रियां। पहला क्या है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से टेस्ट करते हैं, कान से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, बॉडी से फील करते हैं और दिमाग से सोचते हैं। सर नो, है कि नहीं आपके पास? प्रियांशु कह रहा है हमारे पास बस तीन ही है। प्रियांशु कह रहा है मेरे पास बस तीन इंद्रियां हैं, बाकी दो बेच है। नहीं सर, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा ठीक है, चलो एलिमेंट्स देखते हैं। पहला है आपका डेटा। आपके पास कम्युनिकेशन लिंक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेटली एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। अरे भाई आपके पास सूत होगा तब तो सूत से सूती बनेगा और सूती से खादी बनेगा, खादी से कपड़े बनेंगे। ये सर नो, कोई दिक्कत तो नहीं है? डेटा का मतलब क्या बोल रखा? इन्फॉर्मेशन। क्या बोला है? जानकारी, यानी आपके पास एक कच्चा माल, एक अधूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर क्या लिखा? सोर्स। अब ये सोर्स क्या होता है? सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है स्रोत। क्या बोलते हैं? वो जानकारी उत्पन्न कहाँ से हो रही है? तुमने मौसम देखा, बारिश हो रही है, अब इस बारिश का स्रोत क्या है? चेंज ऑफ क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट चेंज होता तभी आपके में बारिश होती है। पहाड़ों पे बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, इसलिए बादल यहाँ बह के आ रहे हैं और यहाँ पे बरसा रहे हैं। यस और नो? यहाँ कौन सा अगल बगल माउंट एवरेस्ट है? है क्या कोई पहाड़ी है यहाँ पे अगल बगल? नहीं है। फिर बारिश कैसे हो रही है? सर यहाँ पे वो बारिश की बूंदें बरस रही हैं जो बची कुची बूंदें बह करके चली आई हैं। कहाँ से? सर दार्जिलिंग से, सर सिक्किम से, सर हिमालय से। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें उतना मिल रहा है जितना कहीं पर छूटा हुआ है, कहीं का बचा हुआ है। पहाड़ों पे इतनी बेहिसाब बारिश हो रही है जिसकी हद नहीं है, हद नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। सोर्स हमारा सेंडर है, उसके नीचे आता है डेस्टिनेशन। क्या आता है? अब ये डेस्टिनेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आप इसको रिसीवर मान रहे हो। क्या मान रहे हो? मान लो तुमने कहा कि सर हिमालय उसका क्या है? सोर्स है। अब वो डेस्टिनेशन कहाँ? सर बादल जहाँ बरस रहा है वही डेस्टिनेशन है। हवा से बह करके वो बादल जहाँ तक आ रहा है और जहाँ बरस रहा है वही क्या है उसका? एग्जांपल देते हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हो और वहाँ से कोचिंग आना ही आपका डेस्टिनेशन है, आपकी मंजिल है। बरसात कितनी तेज़ बाहर बारिश हो रही है, हम लोग फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, बारिश हो रही नहीं हो रही है। बच्चे बहुत दूर से भी आए हो, मिर्ज़ापुर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आए, उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, सब लोग अपने घर पे आराम कर रहे होंगे, ऑफिसेज दुकान दौरी सब बंद है, बाहर हम लोग देखे हैं, बाहर
कई सारे स्कूल्स भी बंद हो गए हैं बारिश के नाते, है कि नहीं? क्योंकि रात से बारिश हो रही, रात 2 बजे से बारिश हो रही है हमारे गोरखपुर में। तो चलिए, काफ़ी हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत अच्छी बात है। आप सबके जज्बे को बहुत बहुत प्रोत्साहन, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं आप किसी अच्छे लेवल पे पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। बताया क्यों मैंने कि हमारे पास, हमारी कोचिंग ही हमारे लिए क्या है? डेस्टिनेशन है। सोर्स क्या है सर? जहाँ हम घर पे बैठे हुए। डेटा क्या है सर? वो जानकारी कि सर रात से बारिश हो रही है, ये जानकारी है कि नहीं आपके पास? जानकारी होते हुए भी अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने को ही कम्युनिकेशन लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, बताता हूँ क्या। मीडियम, माध्यम। कोई पैदल आया है छाता लेकर के, कोई रेनकोट पहन करके, कोई बाइक से, कोई कार से आया है कि नहीं आया, वो मीडियम, वो माध्यम है। क्या है बेटा? कोई हमारा वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे जा करके अपने सेल्युलर मोबाइल डेटा को यूज़ करके देखता है, जो रिचार्ज वो करवाते हैं। कोई वाईफाई से देखता है, कोई हॉटस्पॉट लेके देखता है मोबाइल से, मोबाइल टू मोबाइल, ये सर नो। कई सारे मीडियम है कि नहीं? उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है लास्ट में? क्या रिज़ल्ट आ रहा है कि सर आप हमारे डेटा से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, ये सर नो। तुमको वैष्णो देवी जाना है, तुमको केदारनाथ जाना है, तुम चाहे ऑटो में जाओ, बस में जाओ, साइकिल में जाओ, ट्रेन में जाओ, इट डजेंट मैटर। अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा मोटिव क्लियर है, यस और नो? तुम्हारा डेस्टिनेशन क्लियर है। चेंज क्या हो रहा है? मीडियम क्या हो रहा है बेटा? लास्ट में क्या? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स। क्या बोलते हैं? नियमावली। पुलिस विभाग में, पुलिस लाइन में प्रोटोकॉल्स को क्या कहा जाता है? नियमावली। मतलब नियमों से बनी हुई वली, समझ रहे हैं आप लोग? बुक, एक रूल बुक जिसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत देश किस पे चल रहा है? संविधान पे। ये क्या है? क्या है ये? हाँ, सॉरी, एग्जैक्टली, अ बुक दैट इज प्रेफरेबल एंड डिजाइन टू सेट ऑफ रूल्स, समझ रहे हैं आप लोग? दैट डिनोट्स, दैट रिलेट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन, नियम एवं शर्तें, समझ रहे हैं मेरी बात? तो रूल बुक हमारे पास क्लियर है, हमारा मोटिव क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन किससे है? हमारे रूल बुक से है। रूल बुक किसने लिखा था? है ना, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको लिखा था। उनके उनकी अकेले की ये उपज नहीं थी, 296 लोग के समथिंग उनके टीम में थे, और काफ़ी टाइम लग गया उसको लिखने में, उस चीज़ को लिखने में, बट ठीक है, लीडर वही थे, वो लीड कर रहे थे, तो थैंक्स टू हिम। और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वो उस तरह से जैसे उनके साथ व्यवहार हुआ वैसा आगे ना हो। जात पात भेदभाव ये हमारे मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है? हम शायद एक पल को झूठा पानी किसी का ना पिए, बट एक्सीडेंट हो जाने पर, जान पे जब बात बन आती है, तो वही उसी इंसान का खून बिना जात पात के पूछे हम लोग क्या करते हैं? ब्लड बैंक से मंगवा लेते हैं और क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं और जान बच जाती है। तो ये भेदभाव छोटे मोटे लेवल पर ना करें। जो भी दिक्कतें जात पात होती है, छोटे मोटे लेवल पे छोटे दिमाग, अनपढ़ लोग, जाहिल गंवार लोग ऐसा सोचते हैं और वो इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं। पढ़े लिखे, स्ट्रेट माइंड, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, लिटरेट पीपल, वो कभी इन सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं, समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है? तो कभी इन चक्करों में ना पढ़ें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, गिव एंड टेक होना चाहिए। ह्यूमैनिटी आपका क्या है? ये ह्यूमैनिटी आपका रिलीजन है, और ऑनेस्टी आपका वर्शिप है, ठीक है? कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, हमेशा ध्यान रखिएगा। और सिर्फ मैं ये बातें बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपनाने के लिए बोल रहा हूँ। इसको अप्लाई करिए अपने लाइफ में, बहुत आगे जाएंगे। और नहीं अप्लाई करेंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। आपकी सब्ज़ी बदल जाएगी, आपके कपड़े बदल जाएंगे, आपके वाहन बदल जाएंगे। सोच नहीं बदलेगी तो कुछ भी नहीं बदलेगा, हालात बिल्कुल भी बदले नहीं वाले। अब आता है डेटा के बारे में लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डेटा क्या है? देखिए ध्यान से, एक डेटा एक बार देखिए, डेटा को देखते हैं ध्यान से। हाँ, कंटिन्यू। डेटा क्या बोल रहा है? डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट सच एज टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स। मैं बता चुका हूँ आपको डेटा क्या होता है। इसके बाद से डेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का डेटा आपको मौजूद मिल रहा है। पहला है डिजिटल, दूसरा है एनालॉग। अब डिजिटल क्या होता है? डिजिटल का मतलब होता है जो डिस्क्रीट वैल्यू में, फिक्स वैल्यू में आपको आंसर ला करके देता है। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है जो कॉन्टीन्यूअस वैल्यू ला के देता है। कॉन्टीन्यूअस वैल्यू क्या होती है? जो कभी रुकती ही नहीं है, कभी फिक्स नहीं होती है। सांस आप लेते हो, रुकती है क्या? रोकते हो तो रुकती है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद अगले सेकंड में और तेज़ सांस लेते छोड़ते हो, ये सर नो? बोलिए, वोल्टेज कभी रुकता है क्या? बताइए मुझे, हवा कभी रुकती है क्या? ऑक्सीजन लेवल कभी ऊपर नीचे होता है क्या? बताइए, पानी नदी में बहाव रुकता है क्या?
बारिश जब बरसती है तो कभी ऊपर नीचे होती है क्या कि नहीं नहीं अभी दो की स्पीड से पानी बरस रहा है फिर 20 की स्पीड से बरसेगा, वो तो फ्लक्चुएशन होती रहती है, हवा के बहाव पर डिपेंड करती है। सुनो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वेदर फॉरकास्टिंग नाम का जो चीज़ होती है, मौसम विशेषज्ञ की जो जानकारी होती है, वो आपकी कॉन्टीन्यूअस फॉलो में काम करती है। इसमें भूकंप जो आता है वो क्या एक बराबर एक लेवल पे आता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। क्या होता है आपके आपके इलाके में जब वोल्टेज कम आता है ज़्यादा आता है तो फ्लक्चुएशन होता है। क्या होता है कंप्यूटर में जब कभी वोल्टेज ऊपर नीचे होता है उसको माल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल फंक्शन। है मैं क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो कुछ चीज़ें आपकी क्या होती हैं कभी फिक्स वैल्यू पे काम नहीं करती। एग्जांपल पल्स रेट, धमनियाँ चल रही होती, लाइन टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता है, बट कभी फिक्स देखा आपने? नहीं नहीं, अब तो बस 20 की स्पीड से चलेगी। आप दौड़ते हो कभी ज़्यादा कभी कम, यस और नो? वर्कआउट करते हो कभी ज़्यादा कभी कम? तो ये सारी चीज़ें किस में काम करती हैं? वो आपकी एनालॉग डेटा है और ये आपका डिजिटल डेटा है। कोई दिक्कत आता किसी को? कल हम लोग पढ़ेंगे एनकोडेड क्या होता है, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कैसे इसको ग्राफ टू ग्राफ हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तब तक के लिए कोई अगर डाउट आप लोगों को हो तो आप आराम से चैनल पे कमेंट कर सकते हैं डाउट्स के रिगार्डिंग, अदरवाइज कॉपी में नोट करिए, नोट्स बनाइए, आगे बहुत काम आने वाला है। थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम।